ओ भाई मुझे बात करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं, आपने पूछा तो ओ भाई, मैंने आपसे पूछा कितने घंटों में है, सवाल का जवाब नहीं है। आई एम नॉट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, लेट्स वील गो जस्ट। ओ मेरे भाई, नहीं है ना किसी के पास। अब क्यों इस पे आप इतने गुस्से में आ रहे हो? वो देखिए, फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं गुस्से में आ रहे हैं। इस मर्तबा आपको पता है कि कितना वक्त लगा है ये अराउंड 6.5 करोड़ वोटर्स को वोट काउंट करते हुए? सबसे पहले तो ये जहन में ज़रूर रखें कि लेट्स से स्वीडन में 6.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको 10 से 12 दिन लगे थे काउंट करने में 2018 में। इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था। हमें कितना लगा, किसी को पता? और आप सब कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, पता किसी को नहीं है। मैं फिर पूछ लेता हूं यहां पे फॉरेन जर्नलिस्ट, डज एनी वन नो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंपाइल द रिजल्ट्स इन 2024 पाकिस्तान इलेक्शन इन विच मोस्ट ऑफ द important questions are about rigging? नहीं, मैं अगर फिगर है तो मुझे बता दें। सर, आई एम आस्किंग अबाउट अ फिगर। डू यू हैव द फिगर? ओके 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 ओके। आई एम नॉट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, लेट्स वील गो जस्ट। ओ भाई मुझे बात करने देंगे या नहीं करने देंगे? नहीं, आपने पूछा तो। ओ भाई, मैंने आपसे पूछा कितने घंटों में है, सवाल का जवाब नहीं है। ओ मेरे भाई, नहीं है ना किसी के पास। अब क्यों इस पे आप इतने गुस्से में आ रहे हो? देखिए, फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं गुस्से में आ रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि वहां पे इतने अरसे में हुआ है, हमारे यहाँ इस वक्त कितना वक्त लगा है, किसी को पता है? सब ने कहा नहीं। बस इतनी सी बात है, आगे चलते हैं। 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में, हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूं, 66 आवर्स में हुए थे, 66 घंटे में। जब कितने पोलिंग स्टेशंस थे आपके ख्याल में? 92,000, चलो मैं खुद बता देता हूँ, फिगर नहीं होगा लोगों के जहन पे। 92,000 पोलिंग स्टेशंस थे, और इसको सिक्योर करने के लिए तरीक़ेकार ये बनाया गया था कि क्लस्टर बनाया जाएगा, वहाँ पे उनको सिक्योरिटी व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी और वो आरओ के ऑफिस तक लेकर आएंगे। उससे पहले काउंटिंग होनी थी, आखिर इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त नहीं लगना था।